पिछले ढाई महीने से ये जो ड्रेन यहाँ बन रही थी, और पिछले ढाई महीने से ठेकेदार जो है इसने सिर्फ 50 मीटर ड्रेन बनाई है, और पिछले ढाई महीने से ये पूरा मलबा यहाँ बस स्टैंड में पड़ा हुआ है, और जो ड्रेन इसने बनाई है ये ड्रेन कभी भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इसमें ब्रिज सीमेंट इसमें लगाया है, और जो साइडों में जो कंक्रीट लगाई इसमें इसने 60% बोल्डर डाले हैं, जबकि एग्रीमेंट में इसको है कि इसको एक भी पत्थर स्टोन नहीं डालना है। इसने 60% जो है बोल्डर इस पर डाले हैं, और दुकानदारों को इतनी तकलीफ हुई पिछले ढाई महीने से, आज हम मजबूर हुए सारे दुकानदार, ये मलबा जो है पूरी मार्केट वाले इकट्ठे हुए और गेंती बेलचा लेकर सुबह से ये पूरी ड्रेन जो हम खुद साफ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस चैनल इस मीडिया के जरिए जिला इंतजामिया और रियासती सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि यहाँ इतनी बार हमने अप्रोच की, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी को, आरएनबी डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर सिवरेज और ड्रेनेज का जो है उसको भी हमने चिट्ठी लिखी कि यहाँ दुकानदार सफर कर रहे हैं। पहले ही कोरोना ने हमारी कमर तोड़ के रखी है, 6 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं, और पिछले ढाई महीने से जो दुकानदारों पे जो यह नजला गिरा है हम बयान नहीं कर सकते हैं। ना हम दुकान का किराया दे सकते हैं, ना हम बैंक की किस्त दे सकते हैं। यहाँ लोगों का चलना दुश्वार हुआ है, कितने हादसे हुए अभी तक, कितने लोग गिर पड़े, कितने के हाथ पांव टूटे। इतनी बार हमने अप्रोच की जिला इंतजामिया को, लेकिन अभी तक जिला इंतजामिया की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और आज मजबूरन सभी दुकानदारों को खुद इकट्ठा होकर ये पूरी ड्रेन जो है पूरा मलबा जो है उठाना पड़ा। और ये बस स्टैंड में जो आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा आप यहाँ ये पूरा बस स्टैंड को देखिए, यहाँ पर जो पूरा एक्वायर किया हुआ है इसने ठेकेदार ने, यहाँ मिनी बस स्टैंड में कम से कम 38 से 40 गाड़ियां यहाँ से चलती हैं लिंक रोडों पे, और पिछले 2 महीने से ज्यादा 12 या 14 गाड़ियां यहाँ आती हैं, बाकी सब गाड़ियां जो हैं वो ऊपर अड्डे पे जाती हैं, जबकि इस एरिया में जो दुकानदार हैं ये सारे लोन होल्डर हैं, और इनका बिजनेस जो है ये सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की वजह से, और पिछले 2 महीने से यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, जिसकी पूरी तरह जिम्मेदारी यहाँ आरएनबी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल, और हम जिला इंतजामिया से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाए, जिसने ढाई महीने से यहाँ के दुकानदारों को तंग करके रखा है, और पूरा मलबा यहाँ पर रखा हुआ है बस स्टैंड में, ढाई महीने से ये मलबा नहीं हटा रहा है। आज हम मजबूरन हम सबको यहाँ पर आकर ये गली हमें साफ करनी पड़ी। शुक्रिया। के जरिए जिला इंतजामिया और रियासती सरकार तक ये